हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने हैं वाले हैं सैमसंग का वॉशिंग मशीन है। यहाँ से हम बटन ऑन करते हैं और थोड़ी देर बाद हमारा जो है वो पूरी लाइट है ब्लिंकिंग करने लगती है। तो आज हम इसके ही बारे में बात करने वाले हैं और क्या है इसका प्रॉब्लम आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें, ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है जो डायमंड मॉडल में आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरा इसका कंप्लीट ये पैनल है और यहाँ हमारा सेंसर लगा होता है। इसे हम खोल लेते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम पहले बंद कर देते हैं और इसका पहले हम पानी जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जब पानी जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमको आइडिया नहीं लगेगा कि ये हमारा किस प्रोसेस पे अटक रहा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, ये हमारा पानी पूरा देख रहे हैं आप खाली हो रहा है, इसको खाली हो जाने देंगे और थोड़ी देर बाद ये हमारा जो है इसको हम चेंज करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पानी खाली हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे और ये जो हमारा लाइट है पूरा ब्लिंकिंग होता है ये हमारा होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है अभी कोई लाइट ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। शायद लाइट की वजह से उजाला ज़्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो अब हम इसको पीछे से देख रहे हैं, यहाँ हमारा पानी ख़त्म हो गया है और अब हम इसको बंद करने वाले हैं। बंद करने के बाद पीछे का जो सेंसर है इसको बंद कर देते हैं और पीछे का जो सेंसर है इसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों हमने ये पीछे का सेंसर चेंज कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है और अब हम इसको ओपन करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, देखते हैं कि हमारा क्या होता है। और अगर जो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम इसको पैक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा इनलेट वाल है, इसको हम टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से ताकि लीकेज ना रहे। और ये हमने फुल टाइट कर दिया है और इसके बाद जो है हम कंप्लीट तरीके से मशीन को चेक करने वाले हैं। और ये हमने वाटर लेवल का सेलेक्ट कर दिया लो पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लाइट ज़्यादा होने की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये स्टार्ट कर दिया, अभी थोड़ी देर में पानी लेना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा जो है पानी लेना स्टार्ट हो गया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये हमारा पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा, तब तक पानी भरने देते हैं और पानी भरता है उसके बाद देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे भी अब ये कंप्लीट हो चुका है क्योंकि अब इसके बाद लाइट ब्लिंकिंग होना हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़्यादातर सेंसर का ही आता है। ये हमारा मशीन चालू हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा मीडियम साइज पे लेके चेक कर लेते हैं, क्योंकि पानी हमने वाटर लेवल लो पे लगाया था और ये हमारा मीडियम साइज का पानी जब भरेगा उसके बाद ये प्रोसेस घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा मशीन पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ का सेंसर बदल देना ही है तभी हमारा प्रोसेस काम करेगा।